नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम टू लिसिया। दिलोजान से सरजमी पर कर्नल चिकारा का स्वागत है। यहाँ की हवा बता रही है बहुत अमन और चैन है इस देश में। जहर घोल दूंगा इस हवा में। आग लगा दीजिए, बर्बाद कर दीजिए इस देश को। हमें आप पर पूरा भरोसा है। जिस तरह से दुनिया के कई देशों को आपने बर्बाद कर दिया है, उसी तरह से इस देश को भी बर्बाद कर दीजिए। कर्नल चिकारा, आपके नाजमियों के कहे मुताबिक सब चीजों का इंतजाम हो चुका है। आपके रहने के लिए खुफिया पैलेस, लेबोरेटरी, बारूद, हथियार, सब कुछ तैयार है। और हाँ, अगर आप चाहें तो कल से अपना काम शुरू कर सकते हैं। किसी देश के महात्मा ने कहा था, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ, अब। जब तू अपने देश का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मगर तेरी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। चिकारा इस देश पर राज करेगा। उम्मीद है, एक चांस है, मेरे यार अब तो कर ले तू ये जिंदगी रोमांस।
कर कल होगा क्या किसको पता, रंगरलियों में ऐश कर गोरे गोरे गालों वाली, काले काले बालों वाली, गोरे गोरे गालों वाली काले काले बालों वाली, रुक जरा रुक रुक जरा, अरे कहाँ चली फूलों की डाली, कहाँ चली फूलों की डाली, मेरी धड़कने मेरा ख्वाब है, मैं सवाल हूँ तू जवाब है, जिस चाहती है मेरी नजर तू वही शबाब है, जो दिल में आए वो करे दुनिया वालों से क्यों डरे, खुल्लम खुल्ला इजहार करे छुप छुप के आहे क्यों भरे, ये वक्त हमारा है, ये पल हमारा है, वो कल हमारा है, ये वक्त हमारा है, ये वक्त हमारा है, ये पल हमारा है, वो कल हमारा है, ये वक्त हमारा है, ये वक्त हमारा है जानी। थारी शूटिंग कितने दिन की? 6 दिन की। कहाँ कर रहे? स्टूडियो में सेट लगाया। अच्छा अच्छा, पर वो जर्नल वाली ड्रेस कहाँ है? वो तुम्हारी कंटिन्यूटी की है। तो किधर है भाई? वो तो मैंने मालिक को पहनने के लिए दे दी। तो मालिक के पास जाओ, उनको दूसरी दे दे और वो ले आ, जल्दी जा जल्दी जा। अच्छा, तो क्या दीनानाथ जी भी किसी फिल्म में एक्टिंग कर रहा है? तो फिर वो जर्नल वाला ड्रेस कहाँ गया? क्योंकि हमारे मालिक बड़े किफायती और समझदार व्यक्ति है। वो कहते हैं कि जब घर में इतने कपड़े हैं तो बाहर से नए सिलवाने की क्या जरूरत है। अब रोज रोज सारे के सारे कपड़े किराए पर जाते नहीं, जो बच जाते हैं उनमें से एक ड्रेस पहन लेते हैं। कितनी ड्रेसेस थी? 6 माल को। और एक्टर कितने? वो भी 6 माल को। अरे अंकल के कच्चू बच गया, मालको मोच आ जाएगी ना। अरे निकालो, तब घुट रहा है, निकालो। संभल के मालको, संभल के मालको, हमारे मालिक दीनानाथ सब कुछ वाला। मुंशी जी अगर ऐसी मेरे गले में चीजें फंसती रही तो एक दिन मैं मर जाऊंगा। इतनी जल्दी मालको? ये कौन है? ये है प्रकाश, शूटिंग के कपड़े लेने आया। प्रकाश जी कितनी ड्रेसेस चाहिए? 6। और एक्टर कितने? 6। पागल हो गए हो? 50-50 किलोमीटर दूर जब कोई प्रोडक्शन वाला फिल्म के भाड़े के कपड़े लेने आता है तो इसके बाद आता है दीनानाथ सब कुछ वाला के पास, क्योंकि हम उसे जरूरत से ज्यादा ड्रेसेस देते हैं। और बदले में उनके प्रोडक्शन वाले को हम क्या देते हैं? कमीशन। कमीशन? और अगर इसी तरह आप ईमानदारी की बातें करते रहे तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, और इसकी एक ही सजा आपको जरूर मिलेगी। मुंशी जी इसके ट्रंक में 6 ड्रेसेस और डाल दो। मालको पर मुझे इतने ड्रेस की जरूरत नहीं है सर। जरूरत नहीं है तो जरूरत पैदा करो, जब इतने बच्चे पैदा किए तो उनको खुश भी तो रखना पड़ेगा। और घबराओ नहीं, इस एडजस्टमेंट के लिए मैं आपको कमीशन दूंगा। ठीक है सर, अब निकालो मेरा एडवांस। मेरा कमीशन? अच्छा कमीशन, हाँ कमीशन। मुंशी जी मालको वो जरा देना। क्या मालको? वही जो अटक गया था। हेलो मालको, मुकुट जाए पर सर ना जाए। ये क्या? मुकुट। मुकुट? तुम्हारा कमीशन। मगर मैं इसके क्या करूँगा? वही जो 2 साल तक टीवी सीरियल वालों ने किया था। क्या मतलब? मतलब ये कि बच्चों को दे देना, खुश हो जाएंगे। मुझे ये नहीं, मुझे पैसे चाहिए। राम राम राम, अरे ऊपर वाले से डर, हनुमान जी से डर, टीवी सीरियल वाले हनुमान जी से डर। इसको घर ले जा, इसकी पूजा करना, तेरे दिन बदल जाएंगे। पानी मैंने पी लिया है। मेरे लिए सर? अच्छा अच्छा, अच्छी हो रही है। होटल में बैठे हो, पानी मुफ्त में आता है क्या? उल्लू के बच्चे तुझे कितनी बार खाए कि मुझसे पूछ कर पानी दिया कर। जा साहब का सामान ले जा और बाहर गाड़ी में रख दे। और सुनो, कपड़ों का फटना तो दूर, अगर एक भी कपड़े का बटन टूटा हो तो पैसे दुगने लगेंगे। मगर? मगर नहीं, दरवाजा उधर। चलो मुंशी जी। मालको ये मुकुट के पैसे भी इनके हिसाब में लगा देना। जी मालको। ये क्या है? मालको ये बिक गए। इसकी? ये अमजद खान वाली है, गब्बर सिंह वाली। तो ये बिक देना सारा। क्या मुझे आपने मुकुट दे दिया, कैसा लग रहा हो मालको? लेकिन आज धंधे की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई मालको। अरे जी मुंशी जी, मेरा तो एक असूल है। हाँ मालको, कि अगर आप लक्ष्मी की कदर करो तो लक्ष्मी आप पर भी मेहरबान हो जाती है। मुरारी मालिक, ये घर में 4 जगह लाइटिंग क्यों चल रही है? भूल गया था मालिक। भूल गया था? अगर मैं तुझे पगार देना भूल जाऊं तो? ओहो,
जी लाइट क्यों बुझा दी? आपको तो पता था कि मैं नहा रही थी। अरे नहाने का लाइट से क्या लेना देना, अंधेरे में क्या किसी और पे पानी फेंक दोगी? लोटा लिया, पानी में डाला, पानी निकाला और अपने ऊपर उंडेला और हो गया नहाना। और फिर नहाते हुए अपने आप को देखने में शर्म नहीं आती क्या? हे भगवान, अंधेरे में कोई कैसे नहा सकता है? क्यों, जब दुनिया में लाइट नहीं थी तो लोग नहाते नहीं थे क्या? और तुम्हें तो नहाने की बीमारी है। अरे काली तो नहाई थी। देखो जी, ये फालतू लोगों के चोंचले हैं, बैठे बैठे कुछ नहीं करने को तो चलो नहा लेते हैं। अरे मुझे देखो, फुर्सत जब मिलती है तब नहाता हूँ। इससे क्या है कि पानी साबुन भी बचता है और सेहत भी बनी रहती है। हे भगवान, दुनिया के जितने कंजूस मरे हैं, लगता है उन सब की आत्मा इनमें घुस गई है। और जब मुगल खानदान की सारी बेग में मर गई, तब तू पैदा हुई थी। वो तो उस जमाने में बिना लाइट के नहा लेती थी, लेकिन तू नहीं नहा सकती। और तेरा वो कमबख्त बेटा, उसे तो पानी और साबुन से मोहब्बत है, दिन में तीन तीन बार नहाता है। देखो जी, मेरे बेटे के बारे में कुछ मत कहना, मेरे जिगर का टुकड़ा है मेरा लाल। लाल मार मार के लाल नीला पीला कर दूंगा। लोग कहेंगे कि चलता फिरता इंद्रधनुष जा रहा था। मालिक, विकास बेटा तो हीरा है। हीरा? हीरा है तो मुंशी जी ऐसा करते हैं, इस बार आप पगार की जगह उस हीरे को घर ले जाइए। अरे मालिक, अभी बच्चा है, धीरे धीरे समझदार हो जाएगा। एक बात याद रखिए, एक दिन आपका वो नाम रोशन करेगा। करेगा? कर रहा है जी, पिछले पाँच साल से एक ही क्लास में बैठा हुआ है। अभी कल फिर रिजल्ट आएगा, आप देखना इस बार भी फिर फेल हो जाएगा, लेकिन इस बार ऐसी मरम्मत करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। सैम्बो का पंच बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा किस नहीं? अरे यार, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है तुम्हारी तरफ फाइटर बनूं। हाँ जरूर बनेगा यार, जितनी खुशी में पार्टी हो जाए। हाँ यार, पार्टी 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 पार्टी। अरे लेकिन तुम इतने टेंस क्यों हो गए? कल मेरे घर में भी एक पार्टी है, कल हमारा रिजल्ट आउट होगा, मेरा डब्बा तो गुल होगा ही होगा, मेरे डैडी ने तो पूरा इंतजाम कर रखा होगा, चपले कूसे लाते। हो सकता है तुझे पासिंग मार्क्स मिल जाए। हाँ,
अच्छा मुझसे ज्यादा तू जानता है। अबे एग्जाम मैंने दिया या तूने? पासिंग मार्क मिल जाए। अबे जब पेपर में कुछ लिखा ही नहीं तो पासिंग मार्क कहाँ से मिलेंगे? हाँ सफाई के मार्क जरूर मिलेंगे, क्योंकि जैसे कॉपी मिली वैसी वापस कर दी, सिर्फ नाम लिख के गंदा कर दिया। तेरा दिमाग हर काम में तेज चलता है, एक बार मेहनत करके पास क्यों नहीं हो जाता तू? है पास? देखो दोस्तों, ये है हमारे दोस्त, हमारे हमदर्द। ये चाहते हैं कि हम मेहनत करके पास हो जाएं, पर अपनी हस्ती खेलती जिंदगी को अपने बाप के कबाड़खाने में बंद कर दें। अबे पागल हूँ है? वो तो कब से चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं और उनके धंधे पर लग जाऊं। विकास कुमार सब कुछ वाला, अबे मैं इस साले नाम को ही चेंज कर दूंगा और ये बनेंगे विकास कुमार कुछ करने वाला। अपने बाप को तो तू हमेशा बेवकूफ बनाता रहता है, तू कोई आइडिया सोच यार। यार इस बार कोई आइडिया समझ में नहीं आ रहा। विकास तेरा एक फोटो मिलेगा? क्यों? आज तूने मैच जीता है ना, कॉलेज के अखबार में छपाऊंगी। अखबार? फोटो? फोटो अखबार? मेरी जिंदगी के शनि, मेरी गलती के सबूत, मेरे पैसों के दुश्मन, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। पूरा साल में तेरी पढ़ाई पर इतना पैसा खर्च करता हूँ और तू फिर फेल हो गया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। अरे अरे ये क्या चिल्ला चिल्ली हो रही है, क्या हुआ है? नई गालियाँ याद कर रहा हूँ, नए मारने के तरीकों की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज तेरे बेटे का रिजल्ट आएगा ना और दोबारा फेल हो जाएगा, इसलिए मैं नई गालियाँ दूंगा, नए तरीकों से मारूंगा, नए तरीकों से मारूंगा। नो रिपीट, नो रिपीट। दे चुके गालियाँ? देखना इस साल मेरा बेटा जरूर पास होगा। पागल बनती, वो फेल होगा। पास होगा, फेल होगा, पास होगा, फेल होगा। बेटा बाप के बुढ़ापे की लाठी होता है, लेकिन इस बेटे ने तो मुझे जीते जी अपाहिज कर दिया, लंगड़ा बना दिया। अब मुझे बैसाखियों से चलने की प्रैक्टिस चाहिए। अब मालिक, मालिक, मालिक। बॉम्बे स्टूडेंट टॉप्स यूनिवर्सिटी। अरे पता नहीं कौन खुश नसीब बाप होगा। ये अखबार तो सीधा है ना? हाँ मालिक। तो इसमें मेरी फोटो क्यों छपी है? अजी अपना विकास है, देखो ना। ऐसा नहीं हो सकता, पानी में आग नहीं लग सकती, मछलियाँ पेड़ पर नहीं चल सकती, रात को सूरज नहीं निकल सकता और मेरा विकास पास नहीं हो सकता। काश इस बंदूक में असली गोली होती, तुम्हारे खुशी में अपने आप को गोली थी। अजी सुनिए, विकास पास हो गया है, पास हो गया विकास। काश बेटे मुबारक हो बच्चे। मेरिट लिस्ट में फर्स्ट क्लास फर्स्ट में 99% से पास हो गया, पास हो गया जी। क्या हुआ माँ? मेरे लाल, आज तूने मेरा सर इनके सामने ऊंचा कर दिया है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है। सब तुम्हारा आशीर्वाद है माँ। चुप चुप क्यों मेरे लाल? पिताजी आपने मुझे हमेशा गलत समझा। क्यों जी, आप बोलो, बोलती बंद हो गई ना? मम्मी मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देनी है। पताशे मंगा के बांट दे। तुम चुप रहो जी, कितने रुपए चाहिए बेटा? मम्मी 10,000 से काम चला लूंगा। 10,000 रुपए? इतने तो अच्छा फेल हो जाता। अजी कभी तो शुभ बोला करो। मुंशी जी, जी मेरे बेटे को 10,000 रुपए माल को दे दो। नहीं 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 नहीं, अरे इनका मुंह क्या देख रहे हो, दे दो ना। दो नहीं मुंशी जी, 10,000 रुपए नहीं, 10,000 रुपए जान होता है, प्राण होता है। ये ले। डैड आपका दिल कितना बड़ा है, एक एक नोट खर्च करते वक्त आपका प्यार भरा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहेगा। बाय डैड। अरे संभाल के। ओ थैंक यू, थैंक यू। तालियां। एक बात सुनो। क्या भैया? एक बात सुनो। क्या भैया? बच्चों के दुश्मन कौन है? कौन? उनके माँ बाप। हाय रे हाय। हमें घूमने से रोके। हाय रे हाय। मेरी पहनने से रोके। हाय रे हाय। मेरी पहनने से रोके। हाय रे हाय। बात पे टोके। हाय रे हाय। केक खा रही है चम्मच के साथ, केक खा रही है। अरे उम्र है तेरी केक खाने की। भाइयों और बहनों, यहाँ बहन कौन है तुम्हारी? चंद्रमुखी, चंद्रमुखी मत कर मुझे दुखी, मान जा इनकी मांगे, मान जा मेरी अनारकली, मेरी 56 छुरी। ऐसी बेहुदा सत्य मैं कैसे मान लूँ? अरे जरा सोच, मैं नेता आदमी हूँ, शहर में लोग इज्जत करते हैं मेरी, एक दूसरे को नसीहत देते हैं कि नेता हो तो तेजेश्वर राज विद्रोही जैसा, और आज उसी के घर के सामने विद्रोह, और वो भी उसकी बेटियों की तरफ से। हे भगवान। मम्मी डैडी हाय हाय, मम्मी डैडी हाय हाय। आज ना तो कोई बंगले के अंदर जा सकता है और ना कोई बंगले से बाहर आ सकता है, आज तो आपको हमारी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। हाँ। अरे ए, सुनो,
ये सब क्या हो रहा है? दिखाइए नेता, ये कोई नाटक नहीं है। माँ बाप के खिलाफ बगावत का बिगुल है, हड़ताल है, आंदोलन है। अरे मेरी प्यारी भांजियों, जरा मेरी बात तो सुनो, मुझे अंदर तो जाने दो। कैसी भांजी और कैसा मामा? अब तो सिर्फ एक ही बात है, तेजेश्वर राज विद्रोही। हाय हाय, तेरा विद्रोही। हाय हाय, मम्मी डैडी। हाय हाय, तेरा विद्रोही। हाय हाय। दीदी ये सब क्या हो रहा है? अरे देखो ना सूरज, लड़कियां हड़ताल करके बैठी हैं और ये कह रहे हैं उनकी शर्तें मान लो। हैं? क्यों क्यों मान लो भाई, क्यों क्यों मान लो? अरे नहीं मानेंगे तो मेरी बदनामी हो जाएगी। इन्हें तो अपनी कुर्सी की पड़ी है और ये सारा इन्हीं का कसूर है। ना ये राजनीति में होते और ना लड़कियों का आइडिया होता हड़ताल का। देखती आ रही है ना बचपन से, बाप हर नुक्कड़ पर हर चौराहे पर तंबू गाड़ कर बैठ जाते हैं। देखो चंद्रमुखी, अभी उनकी मांगे हम मान लेते हैं, फिर कहेंगे कौन सी मांगे और हमने कब मानी थी। तुम ही कर दो झूठी। हाँ मैं ना करूंगी, एक बार छूट मिल गई तो ऐसी बदनामी होगी काला कौवा भी नहीं आएगा खिड़की पर शादी का रिश्ता लेकर। हाँ ये ठीक है, अभी उनकी शर्तें मान लेते हैं, फिर लड़के ढूंढ कर जल्दी से उनकी शादी करवा देते हैं, सर से बोझा भी हट जाएगा। जल्दी शादी करवाओगे ना? अरे यस, मेरी फूल मती, मेरी कश्मीर की कली। चलो 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 चलो। अरे तो कह जा, उनको मानना ही पड़ेगा। लड़कियाँ हमें तुम्हारी मांगे मंजूर है। ये लो। ये क्या है? मांगे हैं। हाँ मांगे। ये लीजिए। ये क्या है? पेन है। साइन कीजिए। हाँ पेन। साइन करो चंद्रमुखी भाई और बहनों, साइन करो, साइन करो। फैंटास्टिक। ये रुमाल किस लिए? रुमाल? ये रुमाल नहीं है मम्मी, ये मॉडर्न जमाने के दो कपड़े हैं, इन्हें अपने हाथों से हमें पहनने को दीजिए। इतने छोटे कपड़े तो जब ये पैदा हुई थी तब भी नहीं पहनाए थे इन्हें। पहना दे चंद्रमुखी, पहना दे, मैं इनकी शादी करवा दूंगा। अरे मेरे पैर पे क्यों? कम ऑन गर्ल्स, कमाल हो गया। अजी पूरा साल मैंने अपने बेटे पर मेहनत की, उसे पढ़ाया, उसे लिखाया, उसकी ट्यूशन पर रुपया खर्च किया, उसे बादाम का दूध पिलाया, अब जाकर मुझे मेरी मेहनत का फल मिला। लेकिन दूसरे बाप अपने बच्चों पर मेहनत नहीं करते, उन्हें बादाम का दूध नहीं पिलाते, उन पर रुपया खर्च नहीं करते, तो भला उनका बेटा फर्स्ट कैसे आ सकता है? हर बच्चे को आपके जैसा बाप मिलना चाहिए। दोबारा कहिए। हर बच्चे को आपके जैसा बाप मिलना चाहिए। अरे दीनानाथ जी, अरे यार आज का अखबार तो देखो, इसमें तो कहीं भी आपके बेटे का फोटो नहीं छपा है, सिर्फ एक ही फोटो छपा है, वो भी मशहूर मुजरिम कर्नल चिकारा का। अरे पुराना अखबार होगा यार। दीनानाथ जी आज ही का है। नकली होगा यार। अरे नहीं भाई, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के दफ्तर गया था, वहीं से आ रहा हूँ, और उसमें तुम्हारे बेटे का फोटो नहीं छपा है। अभी मत खाना, तुझे मेरे बेटे की कसम है, अभी मत खाना, एक मिनट। हेलो प्रिंसिपल साहब, मैं दीनानाथ बोल रहा हूँ। आपका बेटा फेल हो गया। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कच्ची कली कचनार की तोड़ी नहीं जाती, कच्ची कली कचनार की तोड़ी नहीं जाती, एक बार हुई जो दोस्ती, एक बार हुई जो दोस्ती थोड़ी नहीं जाती। कच्ची कली
चिनार की तोड़ी नहीं जाती। किया था कि घर में चूल्हा नहीं जलेगा। अजी देखो ना, जला भी तो नहीं। काजू किशमिश, तुम लोग मुझे मार डालोगे, मुझे बर्बाद कर दोगे। तो खा लो ना सर। हाँ, जब भी करोगी खर्चे की बात करोगी। जहर क्या मुफ्त में मिलता है, बाजार से खरीदा जाता है, उसके लिए पैसा कहाँ से लाऊंगा। और मरूंगा, लेकिन मरने से पहले उस कंबख्त को मारूंगा, उसने मेरी जिंदगी दुश्वार कर दी है। तुम दोनों माँ बेटे मिलकर मुझे तबाह कर दोगे, मुझे फुटपाथ पर ला दोगे। अजी दीवार और छत न हो तो ये घर किसी फुटपाथ से कम है क्या? देखो तो सही, कूड़ा कचरा तो फुटपाथ की तरह भरा है। शादी से पहले तो जैसे ताजमहल में रहती थी। मेरा मुंह मत ज्यादा खुलवाओ। ये क्या था? काजू। काजू ऐसा होता है? बाल को बाल को जल्दी, चलो जल्दी, छोटे बाली को ऊपर से कूद कर जान दे रहे। सच, भगवान के घर में देर अंधेर रही। भले वालो, नाक कटवा कर जीने की मेरी आदत नहीं है। मेरे साथ भारी साजिश की गई है, भारी चाल चली गई है मेरे साथ। नकली अखबार छपवा कर मेरे ही घर भेज दिया। चाल, मैं समझा मैं पास हो गया और मैंने पार्टी दे दी। पार्टी में मुझे पता चला मैं तो फेल हो गया। बेकार, नहीं, नहीं मेरे बच्चे। नहीं माँ, तू बीच में मत आ माँ, बात तो नहीं, हट जा, मर जाने से मुझे माँ। नहीं माँ, छोड़ दे मुझे, भगवान मैं आ रहा हूँ। अरे अपनी माँ की बात मत सुन, इसका तो दिमाग खराब हो गया है, अपना भला बुरा नहीं समझती। कूद जा, कूद जा, अगर कूद के नहीं मारा तो तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे हाँ पिताजी, अब तो मेरी शांति हो जाएगी। देशवासियों मैं जा रहा हूँ। नहीं, नहीं, मेरी कसम, नहीं, ऐसा मत कर।
गलती कर सकता। अरे तू इससे भी बड़ी मेरी दुश्मन है। अच्छा खासा नीचे मरने के लिए आ रहा था लेकिन रोक दिया तुझे मेरी कसम। चुप चुप रहो जी। एक तो मेरा बेटा वैसे ही परेशान है, मुझे तो ये नकली अखबार छपाने की चाल तुम्हारी ही लगती है। तुम ही चाहते हो कि मेरा बेटा कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहे। ठीक है चली जाऊंगी, अपने बेटे को लेकर मैके चली जाऊंगी। अरे 20 साल से कहती है मैके चली जाऊंगी मगर जाती नहीं है, झूठी। कभी तो अपनी बात पर कायम रहा कर मुंशी जी। हाँ हाँ रहूंगी। चल बेटा। अरे चली जाएगी तो दो लोगों की दो वक्त की रोटी बच। मालको नहीं है बेटे जाओ। मालको आपसे छोटा सा काम था जी, मेरा भतीजा हरियाणा से आया है, उसका एडमिशन करवाना है। अगर आप प्रिंसिपल से बात करते तो काम हो जाएगा जी। मुंशी जी बुढ़ापे में आपकी अकल सटे आ गई है। अरे मैंने अपने बेटे को पढ़ाया तो क्या फर्क पड़ गया उसको। इसे अच्छा किसी दुकान धंधे में लगा दीजिए, दो वक्त की रोटी कमाएगा और बिगड़ेगा भी नहीं। नहीं 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 मालको, मेरा भतीजा तो बड़ा सीधा सच्चा शरीफ बच्चा है और फिर वो ऐसी हरकतें नहीं करता और पढ़ने में भी बड़ा तेज है जी। देखो जी मेरा फर्ज तो समझाना मैंने समझा दिया, आगे आपकी मर्जी। हाँ ठीक है, आप प्रिंसिपल को बोल दूंगा। क्या नाम है उसका? सुनील चौधरी। ढांका चौधरी? सुनील चौधरी मालको, बड़ा सीधा सच्चा बच्चा है जी। कौन हो तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। शहंशाह के बच्चे तुझे मालूम नहीं, यहाँ बिना इजाजत आने वाले चलकर आ तो जाते हैं लेकिन जाने के लिए उनको अपने पांव नहीं इसका सहारा लेना पड़ता है। खोतिया बांद्रिया की करता, उठ वे उठ। ताऊ जी आप बेन वक्त पे उठाते हैं, आज तो मैं मुख्तार सिंह को मार ही देता। मारपीट के अलावा भी कुछ सोचता है तेरे को? सपने में भी मारपीट करता है। देख 3 दिन में 3 रजाइयां फाड़ चुका है, 3 रजाइयां। ये मारपीट का भूत कब तेरा पीछा छोड़ेगा रे? ताऊ मैं का किसी से लड़ता हूं? वो क्या है, मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, लोग ही आके मुझसे लड़ते हैं, अब उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना, वरना लोग क्या कहेंगे। और फिर आपकी इज्जत का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। मेरी इज्जत? तुझे अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं है? प्रोफेसर को मारता है, प्रोफेसर को मारता है। तूने प्रोफेसर को क्यों मारा? उसने तुझे कॉलेज से बाहर निकाल दिया। ये तो नाइंसाफी है, ये तो नाइंसाफी है। आप ये जानते हैं कि मैंने प्रोफेसर को मारा मगर ये नहीं जानते कि मैंने प्रोफेसर को क्यों मारा। पूछो क्यों मारा, पूछो 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 क्यों मारा। हाँ अब सुनिए, इम्तिहान चल रहे थे, सारा हॉल नकल कर रहा था, सारे स्टूडेंट्स। आप ये गलत बात है ना ताऊ? हाँ। अब जब स्टूडेंट्स नकल करेंगे तो उन्हें ज्यादा नंबर मिलेगा और मुझ जैसे सीधे साधे होनहार स्टूडेंट पढ़ने लिखने वाले को कम नंबर। हाँ। बस यही बात तो मैं प्रोफेसर को समझा रहा था। समझने के बजाय वो उल्टा मुझ पर चढ़ बैठा तो मैंने मारा उसे। मैंने ठीक किया ना ताऊ? हाँ। नहीं नहीं तू मुझे अपनी बातों में नहीं बना सकता है क्योंकि तेरे माँ बाप ने तेरी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, क्योंकि हरियाणा में तो ऐसा कोई कॉलेज बचा नहीं जहाँ पे तू मारपीट की वजह से निकाला नहीं गया हो। ये बम्बई है पुत्रा बम्बई, यहाँ एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिलता, बड़ी मुश्किल से मिलता है। मेरे मालका ने दिलवाया, मेरे मालका ने। आज से तू मारपीट कभी नहीं करेगा, कसम खा। ठीक है नहीं करूंगा। ऐसे नहीं, मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खा कि तू आज से मारपीट कभी नहीं करेगा, मैं जान की कसम खा। क्या कह रहे हो ताऊ, मेरी जुबान पे भरोसा नहीं? जुबान पे है पर तेरे हाथ पांव पर भरोसा नहीं है, तू खा कसम। ठीक है आपकी कसम। शाबाश मेरा बच्चा। मगर ताऊ कोई खुद आके मुझसे झगड़ा करे तो? उसका इलाज है मेरे पास।
अब तेरे नाल कोई झगड़ा नहीं करेगा मुंडिया। एक मिनट ताऊ, मैं लल्लू लग रहा हूँ। मेरे लल्लू को किसी दिन नजर ना लगे रे। नजर उठेगी नहीं तो लगेगी कहाँ से? ओ साइकिल जैसी चीज है ना, उसे ले जा। नहीं ताऊ, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। पैदल ही चला जाऊंगा। उसे ले जा, वो साइकिल तेरे लल्लूपन पर चार चांद लगा देगी। कॉलेज जा। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अगर आपकी साइकिल की डिक्की में जैक हो तो बढ़िया है। एक्सक्यूज मी, आप जरा मेरी मदद करेंगे? मुझे टायर चेंज करने के लिए जैक चाहिए। जैक? जैक क्या चीज है जान, गाड़ी ले लो ईमान से। यू? अरे गुस्सा। रास्कल। आइए टायर बदल लीजिए। इतनी जल्दी भी क्या है, थक जाओगी, आराम से। उसे फेल होने की मुबारकबाद। हाय विकास। हाय। कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। मुबारक हो। फाइनल में तुम्हारा थर्ड ईयर शुरू हो ही गया। थैंक्स यार, थैंक्स। यार अपनी तो आदत है, पढ़ाई करो तो पक्की है। एक साल में अगर हर क्लास पास कर लिया तो क्या फायदा, या तो कुछ रहता है नहीं। अरे हाँ। हर क्लास में कम से कम दो चार साल जमकर पढ़ाई करो। बचपन से इच्छा थी कि मैं आपकी क्लास में पढूं, वो इच्छा इस साल पूरी हो गई। सीनियर बनने की इच्छा तुम्हारी अगले साल पूरी हो जाएगी। मैं तुमसे बड़ा हूं ना, एक तुम्हें सबक देता हूँ, गौर से सुनो। तररम पम पम सुनो मेरे हमदम, कभी ऐसे मार्क्स लाया करो, कभी जीरो कभी वन, कभी उससे भी कम, कभी फेल होके आया करो। डिंग डिंग डिंग। नहीं यार विकी। गुरु मुर्गा। ओ माय गॉड, ये तो बड़ा पढ़ाकू लग रहा है। क्यूट लग रहा है। जो ये दिख रहा है ना, वैसा ये है नहीं। अब इस साले की खबर लेता हूँ। हे इरा, एडमिशन। नाम क्या तेरा? सुनील। सीनियर के सामने बटन खुला लगता है, चल बंद कर। चल चल जल्दी बंद कर। कहां का रहने वाला है? वहां कहां के? हरियाणा। ओह हरियाणा ही जाट हुए हैं। भाई तुम्हारी ये साइकिल हमें बहुत पसंद है, बहुत अच्छी साइकिल है, लेकिन इसके अंदर की हवा हमें पसंद नहीं है।
अरे गुस्सा आ गया, मारेगा? मार मार मुन्ना मार, नहीं मार, तुझे मेरी कसम मार मार मार। अरे मेरे को मार रहा है, बचाओ मेरे को मार रहा है। सिगरेट पीते हो? नहीं। ये लो पियो। मैं नहीं पीता। बोला ना सिगरेट पी। सीनियर के सामने सिगरेट पीता है? वो देख, वो लड़की जा रही है लाल टी शर्ट में, जा जाके उसका फिगर पूछ के। हेलो, अब क्या होगा भैया? अबे हम हर नए लड़के की पिटाई ममता से इसी तरह करवाते हैं, अब देखो। एक्सक्यूज मी मैम प्लीज। ओ तुम, मैं तुम्हें थैंक्स भी नहीं कह पाई। इट्स ओके। वेल, मेरा नाम ममता है। हेलो, आई एम सुनील। ओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ओ, क्या है ना, वो आप मुझे गलत मत समझेगा प्लीज। बोलो ना, ये मैं वो क्या कर रहे हो? दरअसल वो मुझे आपका बुरा मत मानिएगा, वो उन लोगों ने बोला, मैं आपका फिगर जानना चाहता हूँ। ओ समझ गई। एक कप चाय देंगे? अरे भाई एक कप काहे देंगे, आज तो बड़ी खुशी की बात है, 10 कप देंगे। अरे अरे रामू, अरे भाई साहब के लिए जल्दी चाय लाओ, अरे जल्दी जल्दी। इलू इलू तेलू तेलू, ये तेलू तेलू क्या है? ये तेलू तेलू। तेलू का मतलब वो उल्लू, वो उल्लू। उल्लू का मतलब वो उल्लू, वो उल्लू। जब लड़ने से कोई डरता है, चलो चाय पीने को दिल करता है। अरे बाबा चाय पीने को दिल करता है, चाय पी तो दिल मरता है, चाय पीने को दिल करता है। चुपचाप तू क्यों बैठी है, ये फैसले की घड़ी है, ये चाय क्यों पड़ी है? है। अरे हाय। हेलो, ये लो। थैंक्स। ये लोग तुम्हें इतनी देर से परेशान कर रहे हैं, तुम इनको जवाब क्यों नहीं देते? मैं यहाँ लड़ने झगड़ने नहीं आया हूँ, पढ़ने आया हूँ। मगर वो तुम्हें इतनी देर से। बकने दो उन्हें, हाथी जब गुजरता है तो कुत्ते भौंकते हैं। कभी हाथी को कुत्ते के पीछे दौड़ते हुए देखा है? और फिर ताकत का गलत इस्तेमाल करना मेरे असूल के खिलाफ है। एक्चुअली मैं इन लोगों से नाराज नहीं हूं, बल्कि खुश हूं, क्योंकि अगर आज ये मुझे परेशान न करते तो शायद तुम मेरे पास बैठी नहीं होती।
से बेगाना मैं तुमको देखा और हो गया दुनिया से बेगाना मैं सबसे दीवाना था मजनू उससे भी दीवाना मैं हाँ हाँ सबसे दीवाना था मजनू उससे भी दीवाना मैं तुम बहुत क्यूट लग रही हो सच्ची इंजन सा बदन खंबे से चरण ओ भैंस सा तेरा टकराना जीना चाहो तो जगवा लो इस तोप के आगे बस अरे लू आओ ममता आओ नया ड्राइवर रख लिया क्या दोस्तों
ये पहली बार देखा है। मालकिन गाड़ी चला रही है और ड्राइवर पड़ोस की सीट पे बैठा हुआ है। अरे नहीं यार, ड्राइवर जरा कमजोर दिखता है। कम ऑन, डरपोक है ना, कहीं आती हुई गाड़ी को देखकर उसके हाथ छूट गए तो। इसीलिए ममता ने उसे साइड में बिठा कर लाया है। क्यों ममता? मुझे रखवा दो ममता का ड्राइवर, मैं पगार भी नहीं लूंगा। कम ऑन, गेट देम, बच्चे हैं वो लोग। वो दिल ले गई एक बार देखकर, हम कुछ न कर पाए लगातार देखकर। ममता छोड़ दो मेरा हाथ। ममता तुम इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? क्या मैं भी उन लोगों की तरह तुम पर हंसूं? इंसल्ट करवा दी मेरी। कैसी इंसल्ट? वो लोग तुम्हें इतना परेशान कर रहे थे और तुम में इतनी हिम्मत नहीं उनको मजाक चका सको? सिर्फ गाड़ी उठा देने से कुछ नहीं होता। ये लो, इन्हें पहन लो, इनकी जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है। ममता तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ममता मैं तुम्हें सही समझी हूँ, तुम कायर हो डरपोक। आई हेट यू। ममता तो तू कॉलेज नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। तू कॉलेज नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। अरे देखता तू कॉलेज कैसे नहीं जाता। जब मैं वो कसम निभा सकता हूँ तो ये कसम भी निभाऊंगा। पक्का? पक्का पक्का, एकदम पक्का। ठीक है फिर, ओनली वन फाइव। आपने मेरी लाइफ बना दी। तो लाइफ बना दी। सुन सुन, मगर जब तक वो ना छेड़े तब तक। हाँ खेल रही हूँ बाबा, ये ले। हाँ लग गया पत्ता। भाई पत्ता दे मुझे जल्दी। डिक्लेयर। अच्छा छुआ लड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या हुआ? अब देख क्या
मजाक तक तो ठीक है, लेकिन ये दोनों तो बहुत सीरियसली लड़ रहे हैं। किसी को ज्यादा चोट लग गई तो? विकास और सुनील के सीने में जो दुश्मनी का लाभ भरा हुआ है ना, उसका बाहर आना बहुत जरूरी है। ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? नमस्ते। फिर ससुराल वाले आ गए। मैं बोलता हूँ ना यार, इंडिया जीतेगी। अरे मैं बोलता हूँ वेस्ट इंडीज जीतेगी यार। इंस्पेक्टर साहब, इंडिया जीतेगी या वेस्ट इंडीज? इंडिया, इंडिया। बच गया, बच गए। भाग भाग भाग। पर तेरे जैसा कोई नहीं मिला। फूल तो बागों में उखिले हैं,
मुझे ही पहचाने, अनारी मेरा दिल है जवान। यही है वो सैम्बो जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। सर डीआर सेंटर के बारे में सब कुछ जानता है क्योंकि इसका बाप वहां पे नौकरी करता था। सर बाकी सारी बातें हमने इनको समझा दी है। यस सर, मैं रिसर्च सेंटर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं। तुम हमारे पास आ तो गए हो मगर एक बात सुन लो, हमारी फौज में जो भी आता है वो वापस नहीं जाता। जिस पल भी तुम्हारे दिमाग में गद्दारी का ख्याल आया दूसरे ही पल तुम जिंदा नहीं रहोगे। सर देश से गद्दारी करके आपके पास आए, आपसे गद्दारी करूंगा तो कहां जाऊंगा। तुम समझदार दिखते नहीं हो लेकिन समझदार हो, आज से तुम हमारे साथ हो। बट आई एम ए किंग विदाउट ए किंगडम। चिकारा सम्राट है लेकिन उसके पास साम्राज्य नहीं है। ये स्थान उसका साम्राज्य बनेगा और नेताजी रामगोपाल वर्मा के मरने के बाद चिकारा इस देश पे राज करेगा। लेकिन ये साम्राज्य हासिल करने के लिए मुझे चाहिए क्रिप्टन बॉम्ब। क्रिप्टन बॉम्ब, क्रिप्टन बॉम्ब वो ताकत है जिससे दुनिया की कोई ताकत टकरा नहीं सकती। क्रिप्टन और बॉम्ब बनाने का फार्मूला दोनों रिसर्च सेंटर में है। सर रिसर्च सेंटर का नक्शा तो मैं आपको बना दूंगा लेकिन सर वहां पे 24 घंटे बहुत सख्त पहरा रहता है। तबाही की आंधी और बर्बादी के तूफान का नाम है
चिकारा और वो तूफान आज ही रात को आएगा। इतना सारा सामान, तुम्हारे मालिक क्या कबाड़ी है क्या? नहीं कबाड़ी नहीं है, लेकिन वो क्या है कि उनको पुरानी पुरानी चीजें खरीदने का बड़ा शौक है। अच्छा, लेकिन वो क्या है कि बस कपड़े नहीं पहनते। हमारा मतलब है कि अपने कपड़े नहीं पहनते, जो कपड़े किराए के लिए देते ना उसमें से छांट के पहन लेते हैं। लेकिन घबराइए ना, हमारे मालिक बड़े स्टाइलिश, बड़े अच्छे। आइए आइए। काम फल गया। क्या किया? 14 किया 212 12 17। मैं क्या मालको? पैसे नहीं है। मालको पैसे नहीं चाहिए, आपसे को मिलने आया। आइए जी, आइए जी। आपको बताया था ना मालकन का स्टाइल है। अच्छा जी, मैं तेरा विद्रोही। मैं भी तेरा विद्रोही। मेरा नाम है तेरा विद्रोही। जुहू वाले नेताजी। हाँ आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। शुक्रिया। बिजली गई है क्या? बिजली तो है जी। लेकिन अगर मैं पंखा ना चलाऊं तो आपको कोई एतराज नहीं? नहीं। इसके पास कोई काम नहीं था, इसको पंखा चलाने के लिए रख दिया। अच्छा। वैसे बिजली की बचत भी हो जाती है भाई, इनको ही पंखा दो बीच बीच में। आओ कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? जी मैं आयशा का बाप हूँ। आप निशा के भी बाप होते तो मैं आपका क्या कर लेता। नहीं आप समझे नहीं, मेरी बेटी आयशा आपके बेटे विकास, विकास हाँ विकास के साथ प्यार करती है। क्यों? वो प्यार करती है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए, बस यही मैं कहने आया था। आप मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं? आपने सुबह क्या कहा था? मुंशी जी जरा फाइल नंबर 3 लेकर आना। फाइल नंबर 3। उस फाइल में मेरी बीवी जब से प्रेग्नेंट यानी गर्भवती हुई थी उस दिन से लेकर कल शाम तक का सारा हिसाब लिखा हुआ है। आप वो सब खर्चा मुझे दे दीजिए और मेरे बेटे को ले जाइए। आप ही टोटल बता दीजिए ना। जरा पंखा तेज करो। हाँ टोटल है जी 10,22,555 रुपया 55 पैसा। धुआं निकल गया, थोड़ा पानी लगाओ भाई। मैं कहाँ हूँ? आइए लीजिए, आ गई फाइल नंबर 3। अजी क्या भावताव हो रहा है, कहीं मेरे बेटे को बेच तो नहीं रहे हो? अरे मेरी ऐसी किस्मत कहाँ की है बिकाऊ, वो खोटा सिक्का। आपकी तारीफ? ये मेरी धर्म पत्नी है शांति और ये मेरा बेटा विकास। भाभी जी नमस्ते। अच्छा जीते रहो बेटे, जीते रहो। मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया था। सच? जी हाँ। पर मेरे बेटे को पसंद तो है ना? जी माँ। अरे मुरारी जाना, मिठाई लेकर आ। अरे पागल हो गई हो क्या, इनको डायबिटीज है। मुझे है, है। और अगर नहीं है तो हो सकता है ना कि मीठा खाने से हो जाता है, और फिर आप मेरे होने वाले समझी है, मैं तो नहीं चाहूंगा कि आप बीमार हो जाओ। रुक जाओ भाई रुक जाओ, चलो जी काम की बात करते हैं। ये फाइल की बात आप? क्यों बाबू, आपने इनसे कोई दहेज वहेज की बात की? 10 लाख मक्खी मक्खी है मक्खी है, मैंने कोई दहेज की बात नहीं की थी कुत्ता जमीन। आप मेरे बापू को नहीं जानते, इनका दिल समुद्र की तरह विशाल है। इन्हें आपकी बेटी सिर्फ एक जोड़ी कपड़े में चलेगी। क्यों बापू? हाँ बिल्कुल एक जोड़ी में चलेगी, मगर जो मैंने आपको फाइल दी है इस पर जरूर गौर कीजिएगा, इसका पास होना बहुत जरूरी है। बेटा मैं तो सोचता था कि तुझमें सारे तेरी माँ के गुण हैं, मगर तुझमें तो कुछ मेरे भी गुण हैं। आ तेरी ताजपोशी करूंगा, आजा मेरे लाल, करते अपना नाम रोशन। नमस्ते। विकास कुमार सब कुछ वाला नाम है, आयशा भी उसे पसंद करती है, लो रिश्ता पक्का हो गया। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई दीदी तुमने, लेकिन ये सब कुछ वाला ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। भगवान का दिया सब कुछ ही है उनके पास, और वो सब कुछ विकास का है, इकलौता बेटा जो है, इसलिए सब कुछ वाला। सारे जहाँ से अच्छा। बड़े खुश नजर आ रहे हो। बात ही ऐसी है, तुम सुनोगी तो खाना तक भूल जाओगी। आयशा वो घर में नहीं है? नहीं है। अरे तुम लोग पूछोगे नहीं कि क्या बात है? रिश्ता पक्का हो गया मालूम है। अरे विकास ने फोन करके सब कुछ बता दिया है और आयशा उसके पास गई है। यानी सारी एक्साइटमेंट यहीं पे खत्म हो गई। नहीं यार, ये फोन भी ऐसी चीज है ना, सारी एक्साइटमेंट खत्म कर देती है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे उसका नाम क्या है? जी सुनील। अरे भाई उसका भी पता बता दो ताकि हम उसका भी काम तमाम कर दें, अरे उससे भी बातें कर लें। जी मैंने उसको बता दिया है, वो आता ही होगा। शर्मो हया का पर्दा। आइए आइए। लाजवंती नरगिस मेरी। नमस्ते जी।
डैडी, ये सुनील है। अच्छा, नाइस मीटिंग यू। नमस्ते। ओह, नमस्ते। गुड 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 गुड। नाइस नाइस नाइस। आइए ना, बैठिए ना प्लीज। क्या कर रहे हैं आप? देखना तो पड़ता है लड़का कैसे। बैठो बैठो, प्लीज सिट डाउन। ये है मेरी बीवी चंद्रमुखी। नमस्ते। और ये साला सूरज, मेरा साला सूरजमुखी। आहा, तुम ही फाइल लाए हो। लाओ दो। फाइल? यही फाइल मांग रहा हूँ भाइयों और बहनों, साथ लाए हो तो। मगर ये तो मेरी प्रैक्टिकल फाइल है, इसका आप क्या करेंगे? अच्छा, प्रैक्टिकल की फाइल। ओ, देखा चंद्रमुखी कितना होनहार लड़का है। बेटे, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी, वो हरियाणा में खेती करते हैं। किसान? किसान है वो? वाह वाह वाह। फिर यहाँ पे तुम किसके साथ रहते हो? जी, अपने ताऊ के पास। हरियाणा के ताऊ? जी, वो ताऊ नहीं, मेरे ताऊ जो दीनानाथ जी के यहाँ मुंशी हैं। अच्छा अच्छा, मुंशी। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। डैडी, एक मामूली से मुंशी के भतीजे होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी खूबसूरत सी बेटी से प्यार करने की? माफ कीजिएगा सर, प्यार धन दौलत खानदान नहीं, सिर्फ दिल देखता है। ये बाप अपनी बेटी का भला देखता है? दुनिया मुझ पर हंसेगी कि ये कैसा बाप है जिसे एक बेटी दी मालिक के घर और दूसरी दी नौकर के घर। पापा, दीनानाथ जी के घर में ताऊ मुंशी है, नौकर नहीं। अरे फिर भी इसकी इतनी औकात कहाँ है जो हमारी नाजों से पली बेटी को ठीक से खिला पिला सके, उसे खुश रखे। लगता है कि आपने कभी प्यार नहीं किया। मैं ममता को हर तरह की खुशी दूंगा। मैं जानता हूँ कि मेरे पास धन दौलत नहीं है, मगर प्यार की दौलत बेशुमार है। मुझे अपने बाजुओं पर पूरा भरोसा है, मैं पूरी मेहनत करूंगा, जो कुछ भी कमाऊंगा मिल बांट के खाएंगे। सर, मैं ममता को अपने दिल में रखूंगा। बाजुओं पर भरोसा है, दिल में रखूंगा? अबे दिल नहीं हुआ, फाइव स्टार होटल का कमरा हो गया। बाजुओं पे भरोसा है ना, तो जा दे दिया तुझे टाइम। 6 महीने के अंदर अपनी कमाई से एक घर तो खरीद के दिखा दे, शादी करवा दूंगा तेरी। जा, अपने आप को आशिकों का शहंशाह समझता है ना तू? तो जिस तरह शाहजहां ने अपनी मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था ना, उसी तरह तू अपनी ममता के लिए एक 2 कमरे का फ्लैट तो खरीद के दिखा दे इस बंबई शहर में। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मुझे मत रोको ममता, घर तो क्या, अगर मुझे अपना प्यार पाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ती ना तो दे देता। सर, अब मैं ममता का हाथ मांगने 6 महीने के अंदर ही आऊंगा, वो भी घर खरीदने के बाद। और तब आपको मानना पड़ेगा कि वक्त हमारा है। नमस्ते। जी जाजी, ये क्या क्या आपने? अरे देखना चाहता हूँ आज के जमाने के मजनू को कुछ कर भी पाते हैं या फिर सिर्फ लंबी लंबी हांकते हैं। आखिर मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। यस। अबे साले, हम यहाँ इतने सीरियस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और यार तुम फोन के साथ लगे हुए हो। जी मैं अभी आता हूँ। जीजा जी, आप अपने घर के प्रॉब्लम से परेशान है, इस वक्त मुझे सारे देश की चिंता हो रही है। क्यों, क्या हुआ? जीजा जी, इंटरनेशनल टेररिस्ट चिकारा, उसके आदमी आसपास दिखाई दिए हैं। चिकारा? कौन चिकारा? दीदी, चिकारा वो टेररिस्ट है जिसने दुनिया के कई देश बर्बाद किए और अब उसकी नजर सारे देश पर है। और उसके आदमियों का आसपास दिखाई देना कोई बहुत बड़ी घटना होने का संकेत है। पता नहीं कब क्या होगा। Come on.
बंदूक नीचे। मुझे क्रिप्टन और बम बनाने का फार्मूला चाहिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कोई धमकी नहीं दूंगा और कोई गिनती भी नहीं करूंगा। तुम जानते हो तुम कितना बड़ा क्राइम कर रहे हो। और मैं कोई फालतू बात भी नहीं करता। नहीं, कभी गवाह नहीं छोड़ता। जल्दी करो, कहीं पुलिस ना आ जाए। और सुनो, सब लोग अलग अलग जाएंगे और हेडक्वार्टर पे मिलेंगे। क्या जमाना आ गया, प्यार भी सौदेबाजी बनकर रह गया है। दहेज देने के बजाय दहेज मांग रहे हैं तेरा विद्रोही जी। अरे वहां मेरे बापू ने उस तेरा विद्रोह को भी नहीं छोड़ा है, साले 10 लाख रुपए की मांग की है। अरे छोड़ना यार, सखाराम अच्छी तरह चेक करो। चेक कर रहा हूँ सर। गाड़ी का कोना कोना देखो। सर हवलदार साहब, क्या है ये सब, हो क्या रहा है? देखता नहीं, चेकिंग चल रही है। पुलिस मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है जिससे हम दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तू मुझे किडनैप कर ले और मेरे बाप से पैसा मांग, क्या ख्याल है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? और फिर तेरा प्रॉब्लम क्या है यार? यार मुझे अपने बाप को एहसास दिलाना है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आखिर में औलाद की भी कोई अहमियत होती है यार। पर वैसे भी बिना बेटे दौलत किस काम की। हाँ ये स्टूपिड आइडिया छोड़, मैं किसी तरह पैसे कमाऊंगा, मेहनत करूंगा, काम करूंगा और घर खरीदूंगा। ओके, मेहनत और ईमानदारी से दाल रोटी कमाई जा सकती है, लाखों रुपए नहीं। मेरा सजेशन बुरा नहीं है, मान ले मेरी बात। चल चल आगे चल, गाड़ी चला चल। मुझे किडनैप करने का ड्रामा कर ले और मेरे बाप से पैसे मांग ले, मैं भी खुश तू भी खुश, मेरा बाप दुखी। तुम इनको जानते हो? हाँ। इसको जाने दो। नेक्स्ट। अरे मामा जी, मामा जी। हा? अरे नौजवान आशिको, क्या हाल है? और सुनील, कुछ पैसे वैसे का इंतजाम हुआ कि नहीं? हो जाएगा मामा जी, अगर हम इनकी गाड़ी में बैग रख दे तो। हाँ बाद में निकालेंगे। वेरी गुड, लेकिन इस वक्त तुम लोग बैग दो। लेकिन
मामा जी, ये इतनी जबरदस्त चेकिंग क्यों चल रही है? कर्नल शिकारा ने रिसर्च सेंटर पर अटैक करके वहाँ से क्रिप्टन और क्रिप्टन बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला चुरा लिया है। ये तो बहुत ही गलत हुआ। हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्रिप्टन अभी तक देश के बाहर नहीं गया, इसीलिए ये सारी चेकिंग हो रही है। गो होम नाउ। ओके, घर ही जाएंगे मामा जी, घर ही जाएंगे। उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। इतने बड़े टेररिस्ट के हाथ में बॉम्ब लगना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अरे, हमारे देश की पुलिस भी कुछ कम नहीं है। ऐसे हजार टेररिस्ट भी आ जाए ना, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। That's the spirit. Hey, रामचंद्र। Yes, sir. जाने दो गाड़ी, पहचान दो इनको। जाओ। Okay, sir. Thank you, sir. Good night, बाबा जी। Good night. जी मालिक। चलो सामान उठाओ। अच्छा मालिक। कमांडो बोल रहा हूँ, मुझे कर्नल चिकारा से बात करनी है। एक मिनट, कल साहब, कमांडो ऑन द लाइन। हाँ कमांडो। सर, हम पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गए। गुड, वेरी गुड। लेकिन लेकिन क्या? पुलिस से क्रिप्टन बचाने का और कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैंने क्रिप्टन एक जीप में डलवा दिया। व्हाट? सर, मैं सैम्बो बोल रहा हूँ। सर, आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, जिस लड़के की वो जीप है मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे क्रिप्टन चाहिए। यस सर, जैसे ही पुलिस का मामला ठंडा हो जाएगा मैं विकास के जीप में से क्रिप्टन निकालकर आप तक पहुंचा दूंगा। मुझे हर कीमत पर क्रिप्टन चाहिए, और अगर उसे हासिल करने के रास्ते में कोई आए तो उन सबको खत्म कर दो। किल देम। कहां अंदर घुसे चले आ रहा है? वो कौन होता है रोकने वाला? वो जीप में घूमने वाला लड़का इधर ही रहता है ना। हाँ तो मालिक, मालिक, अरे मालिक। क्या बात है भाई, इतने सारे लोग क्या है? मारो तुम लोग। मालिक मालिक मालिक, हट 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 हट, आगे से चले आ रहे। हट जा, हट जा, हट जा, हट जा, हट जा, हट जा। मालिक क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है, चाहते क्या है आप लोग? अरे वो तुम्हारा बेटा कहाँ से बुलाओ? मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरा एक बेटा है, प्रॉब्लम क्या है? एक टोपे, अपना लड़का जब घर से बाहर निकलता है ना तो उसको गाड़ी चलाना सीखा। अपना पाव भाजी का रेडी उड़ा दिया उसने। उसने मेरा साइकिल उड़ा दिया। वो मेरा खिलौने का दुकान फोड़ दिया, उसको फोड़ देगा। हाँ। हाँ। और उसने मेरी कुपारे की दुकान तोड़ दी। हाँ। अरे उसने मेरा घर उजाड़ दिया, मुझे बर्बाद कर दिया। आप लोग कल सुबह आओ, मैं उसे पकड़ कर रखूंगा, उसको जितना पीटना होगा पीट लेना। तोड़ फोड़ का मतलब तोड़ फोड़ समझा क्या? हाँ। उसने आप उनका चीज तोड़ फोड़ खेला है, आप उनका घर तोड़ेगा क्या? चलो। अरे रुको रुको यार, बार बार में चलो 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 करते हो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। ठीक है अंकल। चुप। नहीं, आज और अभी मांगता है क्या? कितने हुए? मेरा 1500। 1500 रुपया पागल हो गया क्या? पैसे पेड़ पे लगते हैं, स्कूटर पे लगते हैं, क्या कर रहे हो? 1500 रुपया तो बताया बोल दिया। कुल मिला के 10,000 रुपया हो गया। 10,000 भाई, उसने तुम्हारा सामान तोड़ा है, तुम उसको थोड़ा मेरी कमर काहे को तोड़ रहे हो? लगता है ऐसा नहीं मारेगा। रुक जाओ, आज चाय पी कर जाओ, कल फिर आना। मुरारी 10 कटिंग लाना। ना 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 ना। चितिजा नखंजरा। माता रा, हमारे को बनाने का कोशिश मत करो। अच्छा ठीक है, 5 रुपए की किस्त बांध देता हूँ, हर महीने आके ले जाना। अरे 10,000 रुपया कोई बात होती है? लगता है ये टोपी नहीं मारेगा। रुक जाओ, 10 बार लाना। मेरा मतलब 10,000 रुपया लाना, बोलने में भी सारी परेशानी हो रही है। अरे भगवान, मैं तो लुट गया, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे ऊपर वाले, ये किस जुर्म की सजा मुझे दे रहा है? अरे इससे अच्छा तो लड़के की जगह एक लड़की दे देता।
उसे स्कूटर दहेज में दे देता तो किस्सा तो खत्म हो जाता। ये लड़का तो साला मेरी छाती पर मुंह डाल रहा है। मालको 10,000 किधर है? इधर आओ भाई, ये लो 10,000 रुपया। चले टोपे शानपति नहीं, चल निकाल। कौन सी पत्ती की बात कर रहे? मालको, अरे काहे का मालको, मैं तो भिखारी हो गया। अब भीख मांगने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। अरे भाई 1 रुपया दे दो, अरे 5 रुपया दे दो, अरे 2 रुपया दे दो, मैं तो मर गया मुंशी जी। मालिक बस स्पेशल चाय। इस स्पेशल चाय में थोड़ी सी टिक 20 मिला दो और मुझे पिला दो। भगवान मैं तेरे पास आ रहा हूँ। नहीं मालिक, मालको ऐसी बात ना करो। मालको, मालिक बातें।
यार, काश तेरा दिल मुझ पे आया होता। कसम से 5 लाख देके मैं यूं शादी कर लेती। हम बहन जी, आपसे शादी करके रोज रोज मरने से तो अपनी गरीबी अच्छी है बहन। योर लॉस बेबी। ओके, ये देखो यहाँ बैठ के ऐश कर रहे हैं लोग। हम इनकी जिंदगी बनाने के लिए परेशान हो रहे हैं और ये यहाँ बैठकर जूस पीकर सेहत बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि 5 लाख की इसे नहीं हमें जरूरत है। तो मैं क्या करूं, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के रास्ते में भीख मांगता फिर अच्छा है। तब तुम लोगों को लगेगा कि मैं परेशान। तुम क्यों बुरा मान रहे हो? तुम लोग सब इसके पीछे क्यों पड़े हो? मैं हूं ना पीछे पड़ने के लिए। ये सब फालतू बातें छोड़ो यार, मैं तुम्हारे लिए एक जबरदस्त न्यूज लाया। क्या? करीबा किडनैपिंग का प्लान हो चुका है, वो भी एकदम परफेक्ट प्लान, और मौका भी बहुत अच्छा है। कल आयशा का बर्थडे है, ठीक है? इसके पिता यानी तेरा विद्रोही एक डिनर पार्टी दे रहे हैं। वहां मैं, मेरे माता पिता और इन दोनों के माता पिता है। तुम लोग वहां आके मुझे किडनैप करना इनकी आंखों के सामने। अरे हाँ, ये तो किसी को जरा भी शक नहीं होगा। विकास जरा सोच ले यार, मुझे तो ये सब ठीक नहीं लगता। फिर तुमने डैडी से चैलेंज कर लिया? हाँ, एक तो हम सब तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम। अबे तुझे तो खुश होना चाहिए कि हम जैसे हमदर्द मिले तुझे। हाँ अच्छा, अब देखो प्लान इज फाइनल। कल रात 10 बजे होटल ड्रीमलैंड। देखो मैं तुम लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। दीनानाथ जी को देखकर तुम लोग घबराना मत। क्यों? क्यों क्यों? क्या है कि उनका रहन सहन कुछ अलग है। वो कपड़े नहीं पहनते। क्या? नहीं, वो उनका स्टाइल अलग है। वो लेकिन दीनानाथ पागल है और उसे देखकर तुम लोग घबराना मत। लेकिन वो अभी तक आए क्यों नहीं? घर से तो निकल गए होंगे। घबराना मत। क्या कि अब देखो ना वो, अरे आ गए। यस मिस्टर विद्रोही, दिस वे प्लीज। आइए बाबूजी। ये सुपरमैन है। नजर न लगे परी ढूंढी है मेरे बेटे ने। ये ले बेटा। इसकी क्या जरूरत थी? अरे मैं भी इसे यही कह रहा था कि इसकी क्या जरूरत है, पर इस टेबल पर मेरी कोई। बाबूजी आप बैठ तो जाइए। अच्छा ठीक है। सब तैयार हो ना? हाँ। क्या ये देखो तमंचा, लगता है ना बिल्कुल असली। और ये कंबल, और ये है नकाब। सुनील तुम चलो, मैं पहुंच जाऊंगा। होली शिट। मेरे पिताजी कहा करते थे जहाँ खाना खाने जाओ वहाँ कुछ भी छोड़ कर मत आओ, वहाँ पाप लगेगा। अरे लेकिन बाबूजी मैं बाहर जाके पान लगवाता हूँ। मेरे दो, मेरे दस, पांच। आओ आयशा, मीठा सुपारी का थाला लगा के काटे। मेरी फाइल का क्या हुआ जी?
विचार कर रहे हैं ना, गंभीरता से विचार कर रहे हैं। गंभीरता से नहीं, जल्दी करो विचार। हाँ, ये सब कुछ एट दिस टू द बिल प्लीज। पान यहाँ भी फोन पर लगे हुए हो। चलो एक मिनट, आई फोन लेटर। बस सॉरी, चलो। पता नहीं बेवकूफ अभी दिखाया नहीं। आइए आइए, कमल बापू आ गए। ये लो पान भी बन रहा है आपके। दीदी आप कौन सा मीठा खाओगे? हाँ आप क्या लेंगे? हाँ जी मीठा चलेगा, लेकिन बहुत मीठा नहीं। हम अबे कमाल कर दिया यार, मैं तो समझा तूने इंस्पेक्टर को देखकर प्लान ही कैंसिल कर दिया। लेकिन तुमने मुझे क्यों खींच लिया? क्या करूं जानू, तेरे बगैर तो एक पल नहीं रह सकता। मतलब ये कि मैं भी तुम्हारे साथ किडनैप हो गई? हाँ। ओफो, हाथ इतनी जोर से क्यों पकड़ रखा है? हाँ छोड़ना यार उसे। जाने किस हाल में होगा मेरा बेटा, मेरी बेटी, न जाने वो लोग क्या कर रहे होंगे उसके साथ। मम्मी रो मत, आयशा को कुछ नहीं होगा। चंद्रमुखी देखो, जब तुम खाती पीती नहीं हो ना तब तुम अच्छी नहीं लगती, और तुम्हारा दिमाग भी सही काम नहीं करता, कुछ भी अनाप शनाप बोल देती हो। अरे पुलिस ढूंढ रही है ना, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। भाभी जी अभी जरा धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब अभी तक कोई पता नहीं चला। देखो शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर कड़ी निगरानी रखो, मैं अभी पहुंचता हूँ। भाभी जी विकास की किसी से कोई दुश्मनी थी, मतलब ऐसा कोई जिसके ऊपर आपको शक हो? जीजा जी आपकी? मेरी मतलब कि राजनीतिक, ऐसा कोई आपका विरोधी हो? मैं तो गांधीवादी नेता हूँ, मेरी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? बैठे बैठे तमाशा देख रहे हो, बेटे की कोई फिक्र नहीं है। देखो जी किडनैपर्स जितने भी पैसे मांगेंगे तुम्हें देना पड़ेगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगी, सुन रहे हो ना? बड़ा अजीब दस्तूर है हमारा, कौन किसका दोस्त है कौन किसका दुश्मन, कौन किससे प्यार करता है कौन किससे प्यार नहीं करता, इसका आदमी फैसला खुद नहीं करता बल्कि दूसरे करते हैं, और हमारे घर मेरी धर्मपत्नी करती है। इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अपने बेटे विकास से प्यार नहीं करता। अरे तुम होती कौन है मुझे माफ नहीं करने वाली, सिर्फ इसलिए कि तुम अपने बेटे को गले लगाकर मेरा बेटा करती रहती हो। तुम समझती हो कि तुम उसे प्यार करती हो और मैं उसकी बदमाशियों से परेशान होता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ। हाँ ये बात सही है कि मैं कंजूस हूँ, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे भगवान ने बनाया ऐसा है, जैसे किसी को रईस बनाया तो किसी को गरीब, किसी को आस्तिक बनाया तो किसी को नास्तिक, किसी को दरिया दिल बनाया तो किसी को कंजूस, मुझे कंजूस बनाया है। और जहां तक मेरी औलाद की जिंदगी का सवाल है, इतना याद रखो शांति देवी कि मेरा नाम भी दीनानाथ सब कुछ वाला है। अरे रुपया तो क्या, ये सब कुछ एक कबाड़ खाना, सब कुछ बेच दूंगा लेकिन अपने बेटे की जिंदगी पर आंच नहीं आने दूंगा, समझी तुम? बता रिटर्न कहां है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? बता। मुझे नहीं मालूम। बता काय करते? रुक जाओ, इसे मत मारो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे मत मारो। ठीक है तुझे, तुम इसे छोड़ देते हैं, तुझे मारेंगे सरबो, तब ये बताएगा। देख उसको हाथ मत लगाना सरबो। कुछ बताया उसने? अभी तक तो नहीं, लेकिन बताएगा, बहुत जल्द बताएगा। कर्नल साहब का हुक्म है कि इन दोनों को उनके दरबार में पेश किया जाए। ठीक है, आप इन दोनों को ले जाओ। इसका एक दोस्त है सुनील, जो इस दिन इसके साथ था, मैं उसे भी ले आता हूं। वैन आ चुकी है, उन दोनों को रिसर्च रूम में कर्नल के सामने पेश करो। सर यह है विकास।
इससे तो मैं बाद में बात करूंगा। कमांडो, क्रिप्टन जैसी कीमती चीज को इसके जीप में छुपाकर तुमने अपनी बेवकूफी का सबूत दिया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ शिकार साहब, क्रिप्टन मिल जाएगा, सैम बोले कि आता ही होगा सर। हाँ, मगर उसे देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे कैप्टन। कर्नल साहब, कर्नल साहब मुझे माफ कर दो कर्नल साहब, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा कर्नल साहब, मुझे माफ कर दो कर्नल साहब। कैप्टन, कैप्टन मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा सगा भाई हूँ कैप्टन, मुझे मत मार कैप्टन, नहीं मैं तेरा सगा भाई हूँ कैप्टन, नहीं नहीं नहीं, नहीं कैप्टन नहीं, मुझे माफ कर दो कर्नल साहब। हाँ, अब बताओ क्रिप्टन कहाँ है? इन पुलिस वालों के पास सिर्फ एक ही जवाब होता है, हम कोशिश कर रहे हैं। समझ में नहीं आता ये सिर्फ कोशिश क्यों करते, काम क्यों नहीं करते? समझ में नहीं आता विकास को कहाँ ढूंढू, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। हमारे कब्जे में है। क्यों, क्या चाहते हो तुम? ज्यादा स्मार्ट मत बन, तू अच्छी तरह जानता है मैं क्या चाहता हूं। क्या? क्रिप्टन, जो तुम लोगों ने छुपा रखा है। मैं क्रिप्टन के बारे में कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानते? नहीं। परसों रोड पे जब पुलिस तलाशी ले रही थी तब मैंने क्रिप्टन को जीप में छुपाया था, और जब मैंने विकास के घर की तलाशी ली तो मुझे खाली बैग मिला। मैं जानता हूं कि क्रिप्टन इतनी कीमती चीज है कि किसी की भी नियत खराब हो सकती है, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानते कि अगर हमें क्रिप्टन नहीं मिला तो तुम विकास और आयशा की लाश भी नहीं देख पाओगे। मैं उनकी लाश भी नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मैं उन्हें जिंदा ले आऊंगा। कमीने! रामजादे, विकास कहाँ? कर्नल चिकारा की कैद में। कर्नल चिकारा? हाँ। तुम्हें उसके घर में खाली बैग मिला? हाँ। ठीक है, मैं किसी भी तरह तुम्हें क्रिप्टन पहुंचा दूंगा, मगर उन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? ठीक है, कल शाम को क्रिप्टन लेके तुम मुझे 5 बजे पुणे के 10 किलोमीटर वाले माइलस्टोन पे मिलना।
लेकिन सुनो, शहर में पुलिस का बहुत बंदोबस्त है। अगर क्रिप्टन पुलिस उसकी फिक्र तुम मत करना, तुम्हें क्रिप्टन मिल जाएगा, मगर उन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? समझे? मुझे नहीं लगता क्रिप्टन इतनी आसानी से मिलने वाला है। अगर बैग यहाँ है तो क्रिप्टन भी यहीं कहीं होगा, ढूंढो प्लीज। एक कील कभी इस घर से मैंने बाहर नहीं फेंका, लेकिन मैं नहीं जानता था कि एक दिन यही कबाड़ मेरे बेटे की जान का दुश्मन बन जाएगा। कल उन्हें क्रिप्टन पहुंचाना है। अरे एक साल गुजर जाएगा यहाँ ढूंढते। तुम ठीक कहती हो शांति, ये घर किसी फुटपाथ से कम नहीं है। अंकल आप परेशान मत होइए, आंटी जी हम क्रिप्टन ढूंढ के ही रहेंगे। क्या बताऊं बेटे, जब से विकास गया है मेरी जिंदगी में तो अंधेरा हो गया है। अंधेरा? अंकल वो मुरारी घर के सारे लाइट बंद कर दो। जी मालिक, कर रहा हूँ। सारे लाइट जल्दी। लाइट ऑफ करने से क्या फायदा? बेटे अंधेरा करने से क्या होगा? अंकल क्रिप्टन तो मिल गया, मगर अब भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? पुलिस को भी क्रिप्टन की तलाश है। उन्होंने सारे शहर में नाकाबंदी कर रखी है, उनसे बचाकर इसे निकालना बहुत ही मुश्किल है। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, पुलिस तो क्या पुलिस के कुत्ते भी नहीं सूंघ पाएंगे। आप लोग जा सकते हैं, इन्हें जाने दो। रोको गाड़ी रोको। गाड़ी में क्या है? मुर्गियां हैं, आजकल भौंकती हैं। मजाक उड़ाता है? अरे भाई साहब, ये खुद ही भौंक भौंक के अपनी जात बता रहे हैं और आप फिर भी पूछ रहे हैं। भैया मैं भी आपकी तरह जनता की और देश की सेवा कर रहा हूँ। इसमें शहर की कुछ आवार और पागल कुत्ते हैं, उन्हें जंगल में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। बस बस गेट खोलो। लेकिन ये दोनों कौन है? ये इनके कुत्ते को लवेरिया हो गया है। मलेरिया? मलेरिया नहीं, लवेरिया। जाए ठीक है जाने दो इन्हें। बच गए। अंकल पुलिस से तो बच गए, मगर क्रिप्टन का? अरे बेटा चिराग तले अंधेरा। ये लो। अंकल एक मिनट गाड़ी रोके। अंकल हम वो मोटरसाइकिल लेकर निकलते, आप विद्रोही जी को लेकर वहां पहुंचे। ठीक है, तुम लोग अपना ख्याल रखना। अंकल आप कमाल है। अच्छा ठीक है उतरो। अरे मौसम भी कमाल है।
क्रिप्टन मिल गया। चलो गाड़ी में बैठ। आज के मुख्य समाचारों में रिसर्च सेंटर से चुराए हुए क्रिप्टन का कुछ पता नहीं। नेता राम गोपाल वर्मा कल अलोका भवन में हो रही मीटिंग को स्थगित करने को तैयार नहीं। हमारे संवाददाताओं से उन्होंने कहा, हम मानते हैं कि हमारी जान को खतरा है, मगर हम अलोका भवन की सभा को बर्खास्त नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आतंकवादियों को बल मिलेगा। मैं इस देश के उन गद्दारों को बता देना चाहता हूं कि भारत के सपूत मौत से नहीं डरते। तुम एक राम गोपाल को मारोगे तो भारत मां यहां की मिट्टी के कण कण से लाखों पैदा करेगी। मैं इस देश की सभी पार्टियों की नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वो सभा में पहुंचकर इन समस्याओं का हल निकालने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद नेताजी, आपने अपने मरने की जगह अच्छी चुनी है। अलोका भवन। कर्नल साहब, यह सुनील, विकास का दोस्त। क्रिप्टन कहाँ है? विकास कहाँ है? चिकारा से सवाल मत करो, क्रिप्टन कहाँ है? मिल गया, मिल गया। प्रोफेसर, प्रोफेसर। यस सर। इसे जल्दी बॉम्ब में फिट करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। जाओ। सुनील, हम दोनों तो फंस ही गए थे, मगर तुम दोनों को जानबूझकर मौत के मुंह में आने की क्या जरूरत थी? क्यों, इसी को दोस्ती कहते हैं? विकास, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। हमें अपनी जान से ज्यादा इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि कर्नल चिकारा हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है, खोखला कर रहा है इसे। और तो और, वो नेताजी राम गोपाल वर्मा को भी मारना चाहता है। अगर उसने बॉम्ब बना लिया तो हमारे देश के लिए बहुत बुरा होगा। दो बॉम्ब तो उसने बना लिए, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं, और उसके इस पाप के काम में कहीं ना कहीं मैं शामिल हूं। भले तुम दोनों को बचाने के लिए ही, मगर क्रिप्टन तो मैं ही ले आया ना। मगर सुनील, और हम कर भी क्या सकते थे? लगता है अब इस देश में वही होगा जो कर्नल चिकारा चाहेगा। ओके, एज यू विश। हमारे विदेशी मेहमान इंडिया आ रहे, मगर प्रॉब्लम यह है कि उन्हें लेने कौन जाएगा? इसमें क्या प्रॉब्लम सर, मैं जाके ले आता हूँ। नहीं, नेताजी राम गोपाल वर्मा का कत्ल का उन पर शक न हो, इसीलिए वो ऐसे आदमी के साथ आना चाहते हैं
जिसका कोई पुलिस रिकॉर्ड ना हो। बैठिए सर। सर हमने अलोका भवन में बम फिट कर दिया है। नेताजी अलोका भवन में 4 बजे मीटिंग लेने आ रहे हैं और हमने टाइमर पे 4:30 बजे का टाइम फिक्स किया है। यस सर, ठीक 4:30 बजे ऐसा विस्फोट होगा, ऐसा धमाका होगा कि सारे नेताओं की लाशें भी नजर नहीं आएंगी। वेरी गुड। सरकार ने मुझे नौकरी दी है नेताजी की रक्षा करने की और मैं उन्हें मौत के मुंह में डाल रहा हूँ, तो मेरा इनाम। इनाम? सर आपने कुछ सोचा वो लोग कैसे आएंगे? वो दोनों लड़कों को भेज दो। जब तक वो लड़कियां हमारे कब्जे में है वो हमसे गद्दारी करने का सोच भी नहीं सकते। यार विकास कुछ सोच है, कुछ आइडिया सोच, जिससे मंत्री जी बच जाए, देश भी बच जाए और हम सब बच जाए। मगर वो चिकारा पकड़ा है। सुनील मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। बोल। फॉरेन से जो लोग आए हैं अगर हम उन्हें पकड़ के पुलिस के हवाले कर दें तो पुलिस को यकीन आ जाएगा कि हम उनके साथ हैं और वो हमारी मदद करेंगे। लेकिन यार अगर वो फॉरेनर्स अड्डे पर पहुंचे ही नहीं तो? अरे फॉरेनर्स पहुंचेंगे मगर नकली। अब बस तू दुआ कर कि मेरा वो बापू मिल जाए। यार वेलकम टू द एम्पायर ऑफ चिकारा। रूप क्या कर रहे हो यार? कम तुम गिरा मैं इसको तुम पछ पड़ दो मार फाड़ के बंदा ने बीट इट। वो आपको कह रहे हैं कि शट अप। आई गॉट टू ट्रीट यू। इसलिए कि आपका फौज गद्दारों से भरा हुआ है और हम आपसे डील नहीं करेगा, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। गद्दार और चिकारा की फौज में ये नहीं हो सकता। मेरे सिपाही तो मेरी आवाज पे जान दे देते। बीट इट। ये कह रहे हैं कि आपने जो लड़के भेजे थे वो गद्दार थे। वो ये समझते थे कि हमको हिंदी नहीं मालूम इसलिए वो कह रहे थे कि हमको यहाँ पहुँचाने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। ये तो अच्छा हुआ कि इन्होंने सोच समझ के गोली से उनको उड़ा दिया। अच्छा किया आपने उन्हें मार दिया। लेकिन आप ही ने तो कहा कि ऐसे आदमी को भेजना जिसका पुलिस रिकॉर्ड ना हो। अपने सिपाहियों के वफादारी के वजह से ही चिकारा कामयाब है और देखना एक दिन चिकारा राज करेगा। ये कह रहे हैं ठीक है। अब बताइए कैसी लगी हमारी ये लेबोरेटरी? कबाड़ी। वो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा सामान उनके घर में बेकार पड़ा हुआ है। इनके पास होगा ही मगर हमारे पास भी कुछ कम नहीं। आइए मैं आपको बता दूं द वर्ल्ड ऑफ कर्नल चिकारा।
सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लीजिए और होशियार रहिए। Thank you.
से नहीं लेगा। ये तुम क्या कर रहे हो बेटे? सर हम आपको कुछ नहीं होने देंगे सर, कुछ नहीं होने देंगे। हम आपको सिर्फ ये बताने आए कि अंदर बॉम्ब रखा हुआ, बॉम्ब। बॉम्ब? आप सबकी जान को खतरा है सर, अंदर वाकई बॉम्ब है। इस देश को आपकी बहुत जरूरत है सर, आप पर हम जैसी हजार जिंदगी कुर्बान। हम हर सजा भुगतने के लिए तैयार है सर, प्लीज आप अंदर मत जाइए। अंदर बॉम्ब रखा हुआ सर, बॉम्ब रखा हुआ, प्लीज बिलीव मी। नाकाम हो गए, लेकिन वो नेताजी बचकर कहां जा सकते हैं? मेजर, शिकारा नाकामों को जिंदगी से नाकाम कर देता है। ये आप लोग मुझे कहां लेके आए? सर एक ऐसी जगह जहां बिल्कुल सेफ है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर, थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी। जब आप दोनों साथ हो तो मुझे कोई फिक्र नहीं, लेकिन ये कौन सी जगह है? एक पुराना सा मिला सर, जो एक हादसे में जल गई थी सर। सर मेरे ख्याल से पुलिस आ गई सर। Thank you.
विकास। सर पुलिस नहीं, चिकारा और उसके आदमी आए हुए। साला जिंदा रहेगा। Thank you.
तो बात होगी तुम, बहुत खुश होगे कि जो बाप आज तक अपने बेटे की जान के पीछे पड़ा रहा वो आज अपने बेटे की जान बचाने कैसे आ गया, कैसे आ गया। तेरा राज सब कुछ वाला आज भी इन बदमाशों की गोलियों से नहीं डरता और आज भी वो तुम्हें प्यार करता है। सचमुच लूट गए, उठिए बापू, मैं सब शरारतें छोड़ दूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, कभी पैसा नहीं मांगूंगा, ठीक से पढ़ाई करूंगा, आपकी हर बात मानूंगा, वादा करता हूं बापू, बापू। पक्का? प्रॉमिस? मैं जानता था कि एक दिन देना ना सब कुछ वाला का पागलपन उसके काम आएगा। बिल्ला नंबर 786 दीवान, गोली क्या लगेगी? उठा मेरे बच्चे, उठा उठा मुझे, बच्ची क्या मेरे बिल्ले ने बचा लिया। नमस्ते जी, नमस्ते। मुझे अब अपनी और इस देश की कोई चिंता नहीं, जिस देश में तुम जैसे बहादुर और देशभक्त हैं, उस देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉयज। मेरे बच्चों, तुम लोगों ने साबित कर दिया कि वक्त तुम्हारा है। बापू आप गलत कह रहे हैं, नेताजी के जिंदा रहने से हमारा देश बच गया, इसलिए ये वक्त।